हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम स्टिचिंग एंड आर्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये है कुर्ती का पीस है यहाँ पे, जिसमें ये नेक इस तरह से बना हुआ है। और ये मैंने यहाँ पे 2 मीटर अस्तर लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर वॉश करके और इस पर आयरन कर ली है। तो कटिंग करने से पहले हम इसका नाप देख लेते हैं। कुर्ती की जो लेंथ है यहाँ पे वो 40 इंच है, तीरा इसका 14 इंच है, सीना 34 है, कमर 30 है और हिप 36 इंच है, बाजू की लंबाई इसकी 15 इंच है। चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पर 40 इंच है। तो तीरा आपको पता है कि जितना हमारा तीरा होता है उसका हम हाफ़ लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने 14 इंच का हाफ़, 7 इंच इसका तीरा रखा है और इसके शोल्डर मैं 7 इंच ही लूँगी। जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम शोल्डर रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली है। देखिए, अब जितने हम अपने चौक रखने हैं तो यहाँ पे भी मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है तीरा के अकॉर्डिंग। देखिए, अब इसके बाद हम अपने चौक, जितने हम चौक रखने हैं 14 इंच या 15 इंच, तो यहाँ पे 15 इंच मुझे चौक लेने हैं इसके तैयार। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 15 इंच पे एक मार्किंग कर ली है और उसके हाफ पे मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। तो इन दोनों को मैं इस तरह से सीधी लाइन खींच लूँगी। ये मैंने 7.5 इंच पे खींची है और ये मैंने 15 इंच पे। अगर आप 14 इंच के चौक ले रहे हो तो आप 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लोगे। अब हमें सीना लेना है अपना। तो सीना के लिए हमें जितना भी हमारा सीना है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये 8.5 इंच लिया है इसका, 4 से डिवाइड करके, और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने। उसी तरह से जितनी भी हमारी कमर है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे डार्ट डालूँगी पीछे, प्लेट डालने के लिए मुझे यहाँ पे 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग की है। पीछे अगर हम प्लेट डाल रहे हैं तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे हो तो जितना भी आपका 4 से डिवाइड करने के बाद आता है उतना आप रखोगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। उसी तरह से हम जितना हमारा हिप एरिया है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन हिप एरिया के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इनको हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, अब हम अपनी डार्ट डालने के लिए मार्किंग कर लेते हैं। जो हम पीछे प्लेट डालेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 इंच। अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, देखिए इस तरह से, और नीचे मैं 4 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अगर हम 15 इंच के चौक लेंगे तो ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच और नीचे हम 4 इंच लेंगे, लेकिन अगर आप 14 इंच के चौक ले रहे हो तो ऊपर की तरफ 3 इंच और नीचे 3.5 इंच, मतलब टोटल 7.5 इंच की हम ये प्लेट डालेंगे। अब दोनों साइड मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। इस तरह से हम मिला देंगे इनको और यही मार्किंग सेम हम दूसरी साइड कर लेंगे। ये देखिए, अब नीचे है जितना हम घेरा लेंगे, जितना हम घेरा लेंगे उस पर हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो घेरा मैं यहाँ पे लूँगी 19 इंच तैयार,
अब उसका एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लिया है जो कपड़ा फोल्ड करने के लिए, वो मैंने 1.5 इंच रखा है। इस तरह से हम मिला देंगे इनको। अब हम अपने आर्म होल पे यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो 1.5 से 2 इंच की हम यहाँ पे राउंड शेप देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लाइनिंग में इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब इसका जो एक पार्ट को मैं निकाल दूंगी। अब इसकी फ्रंट में जो हम कटिंग करते हैं, फ्रंट पार्ट में शोल्डर में, उसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अगर आप कुर्ती की प्रॉपर कटिंग देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो किस तरह से हम फ्रंट में कटिंग करते हैं और किस तरह से स्लीव्स की फ्रंट में कटिंग करते हैं। मैंने उसमें पूरी डिटेल से बता रखा है। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है अच्छे से। नेक वाली कढ़ाई को सेंटर से मिलाते हुए और उस पर हम जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है लाइनिंग का, उसको प्लेस कर लेंगे। देखिए अगर आपके इसमें सूट में इस तरह से नेक बना हुआ है तो उसकी हम पहले विड्थ देखेंगे और उसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ हमें जितनी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से सेट करके रख लेंगे इसके ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि सूट में जो है नेक की जो है गहराई बहुत ज़्यादा दी हुई होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऊपर से कट करना होता है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और इसी तरह से अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को मैंने एक साइड से फोल्ड किया है क्योंकि साइड में से हम स्लीव्स निकालेंगे इसमें से। अच्छे से सेट कर लेंगे लाइनिंग को और ये बैक पार्ट की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसमें मैं बैक वाले पार्ट में अपने जो गले की कटिंग करूँगी, तो यहाँ पे गले की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और लेंथ मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेंथ ज़्यादा या कम कर सकते हो। अब इसमें मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लाइनिंग को अटैच करके नेक बना सकते हैं बिना बुकरम के, बिना पाइपिंग अटैच किए हुए। किसी भी शेप में हम नेक बना सकते हैं इसमें। अब इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो कपड़े की यहाँ लेंथ यहाँ पे देखिए 13 इंच है तैयार। स्लीव्स हमें 15 इंच की चाहिए थी लेकिन स्लीव्स इसमें से इतनी जो है लंबाई नहीं निकल पाएगी, तो मैं इसको एल्बो तक की स्लीव्स कट करूँगी यहाँ पे। कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच ली है, इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 12 इंच ली है। अब नीचे जितनी हमारी जो एल्बो के यहाँ पे फिटिंग होगी उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और इस तरह से मिला देंगे हम। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से मैंने जो कपड़ा कट किया है ये मैंने 2.5 इंच कपड़ा निकाला है यहाँ से, इस सेंटर में कट लगा लेंगे और स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे कटिंग की है।
तो ये स्लीव्स हमारी यहाँ पे कट कर ली है हमने, सूट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुर्ती के बैक वाले जो है नेक की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग अस्तर को और कुर्ती वाले बैक पार्ट को लिया है। देखिए नेक की हम स्टिचिंग करेंगे। तो कपड़े की सीधे जो साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है और उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं इस पे एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा लिया यहाँ पे। अब इसमें हम बीच में हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब कपड़े को हम दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है। अब जो है हम इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल एक। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है नेक इसमें बना सकते हैं। अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए नेक हमने बैक का नेक इसमें बना लिया है। अब नीचे जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे ये अस्तर वाला, तो यहाँ पे मैं इसमें 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करूँगी इस तरह से। जितना आपके पास एक्स्ट्रा होगा आप उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसमें अस्तर वाला पार्ट हम 2 से 3 इंच ऊंचा रखते हैं कुर्ती के कपड़े से। साइड से भी मैंने इसमें अटैच कर लिया है ये अस्तर सिलाई लगा के। आप चाहो तो आप सुई धागे से भी इसको कच्चा कर सकते हो। अब हम इसके फ्रंट वाले नेक की भी स्टिचिंग करेंगे। आप चाहो तो आप फ्रंट का नेक बुकरम पर भी बना सकते हो, लेकिन मैं फ्रंट वाला नेक भी इसी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम नेक की जो है लेंथ देखेंगे कितनी रखनी है हमें। नेक की लेंथ मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी तैयार। 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, तो 6.5 इंच हमारे पास ये तैयार रहेगी। और इसकी विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंच ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसमें राउंड शेप दे देंगे जो शेप हमारे इसमें नेक में बनी हुई है। देखिए इस तरह से। और हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हमारी जो है कढ़ाई है ये बराबर होनी चाहिए, दूसरी साइड भी। अब इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊं इसमें। अब इस वाले कपड़े को हम अपने अस्तर वाले इस पे रख लेंगे और मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती का मैंने सीधा जो है पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे हम और इसके ऊपर अस्तर वाला जो है कपड़ा रख लेंगे। और इसी तरह से सेम हम नेक बना लेंगे जैसे हमने बैक वाला नेक बनाया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक बना लिया है। बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हमारा ये नेक बन जाता है बिना बुकरम के बिना पाइपिंग लगाए और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब फ्रंट और बैक वाले पार्ट हम दोनों यहाँ से तीरा से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में यहाँ पे स्टिच कर लूँगी 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए। देखिए इस तरह से। अगर आप चाहो तो ये आप नेक बुकरम पर भी बना सकते हो। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते टाइम हमने फिटिंग के लिए जो लिया था और साइड में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो उस 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। बीच में से हम नाप के देख लेंगे हमारी उतने ही 4th पार्ट जो है सीने का आ रहा है या नहीं।
अब मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि हमने 15 इंच के चौक लेने हैं। तो कमर यहाँ पे 7.5 इंच पे हम 2-2 इंच दोनों साइड जो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया है उस पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी साइड में 2-2 इंच पर इस तरह से। और ये हमने बीच में इसमें डार्ट डालनी है बैक पार्ट में। प्लेट्स के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था जो हमने कटिंग की थी कुर्ती की। तो यहाँ पे 7.5 इंच नीचे मैं हिप के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। इसी तरह से जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था हिप पे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो उस पर मैंने मार्किंग कर ली है। इस तरह से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हम सीने पे अपनी जो यहाँ पे मार्किंग करते हैं उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, उसको हम थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से इसमें गोलाई देंगे हल्की सी, जिससे हमारी जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरह से जैसे मैंने दी है, देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, इस तरह से थोड़ा इसमें बाहर की तरफ हल्की यहाँ पे बाहर की तरफ ये निकालनी है इस तरह से। इससे हमारी जो है कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो जो हमने मार्किंग की है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। यहाँ पे हम दोनों को मिलाएंगे इस शोल्डर वाले पार्ट को। इस राउंड वाली शेप जो हमने दी है यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको डबल लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। तो एक एक जो है हम पैर की सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे फिटिंग कर ली है इसकी। अब हम इसमें बैक में प्लेट्स डालेंगे। तो बैक में प्लेट्स डालने के लिए कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे दोनों साइड से। ध्यान रहे हमारा नीचे वाला कपड़ा भी इसमें आना चाहिए। तो इस तरह से अब साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे किनारे से। जिस तरह से हमने मार्किंग कर रखी है उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सेम इसी तरह हमें दूसरी वाली जो है प्लेट इसमें डालनी है। तो ये मैंने प्लेट्स इसमें डाल ली है। ये देखिए कमर अगर आपकी पतली है तो प्लेट्स डालनी ज़रूरी है। अब जो हमने 1.5 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए चौक, तो उस पर मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे चौक फोल्ड करूँगी। देखिए इस तरह से हमें चौक फोल्ड करने हैं। यहाँ पे मैं रफ सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि हमें इस पे तुरपाई करनी है बाद में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी तरह से हम बाकी के अपने जो है चौक फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट की मैंने यहाँ पर मार्किंग की है जो 7.5 इंच आई है कटिंग वाले पार्ट की। स्लीव्स में मैंने नीचे ये बॉटम का कपड़ा इसमें अटैच किया है। जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जितना नापा है कुर्ती का 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो आप वैसे भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं लेकिन मैं राउंड करके स्लीव इसमें अटैच करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए कटिंग वाला पार्ट हम देख लेंगे स्लीव को सीधा करके। इस साइड वाला है ये, तो इसी साइड में हमें ये स्लीव इसमें अटैच करनी है। कुर्ती हमें उल्टी ही रखनी है और स्लीव्स हमारी सीधी ही रखनी है हमें। अब देखिए नीचे से हम दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे जिस तरह से मैं मिला रही हूँ इसमें। देखिए कपड़े को इस तरह से हम एक साइड में रख लेंगे।
अब इसमें हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स अगर हम राउंड करके लगाते हैं तो हमारी कुर्ती की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैं हमेशा राउंड करके ही स्लीव लगाती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको इस तरह से स्लीव्स अटैच करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कुर्ती की फिटिंग करने से पहले स्लीव्स अटैच कर लेंगे उसमें। और इस तरह से हम हाफ हाफ इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और ये सेंटर वाला कट हमारा सेंटर में आना चाहिए, तीरा वाले पार्ट पे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये स्लीव्स हमारी इसमें अटैच हो जाती है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हम स्लीव इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है, अच्छे से इसमें अटैच हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी भी स्लीव्स इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए, स्लीव्स हमने अटैच कर ली है, कुर्ती की बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है तैयार होने के बाद। इसमें तुरपाई करनी बाकी है। ये देखिए, ये बैक में जो हमने डार्ट डाली है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।